जनपद आजमगढ़ में बुधवार की इस रात आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि होने के चलते किसानों पर एक ककाल सा पड़ गया, जहां फसलों में चना, मटर, गेहूं, सरसों, प्याज, सब्जी, अरहर सहित लगभग 90% नष्ट हो गई, जिसको देखकर किसान बदहाल हो गए हैं। जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के अहिरौली, अलखौली, कोटा, रणमो, चंदेवरा, रामपुर, बढ़ौना, गौरीपुर सहित आदि गाँव में अकाल सा छा गया। किसानों ने बताया कि हम लोगों का इसी से ही परिवार का जीविकोपार्जन होता था, लेकिन अब हम लोग ओलावृष्टि के कारण जो फसल नुकसान हो गई उसकी भरपाई हम लोग कैसे करें। वहीं ब्रजभान सिंह ओम प्रकाश मिश्र का कहना है कि अगर हमारे नुकसान का भरपाई नहीं हुआ तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। हम किसानों के ऊपर पहले से ही महंगाई का बोझ लगा हुआ है, जिससे कि हम उभर नहीं पा रहे, और अब इस दैवीय आपदा से किसानों पर बहुत बड़ा संकट आ गया। अब देखना है कि इन किसानों की फसलों का नुकसानिक भरपाई कब तक सरकार करती है।